नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और रुक करेंगे तेज अंदाज में खबरों का। और इसके पहले एक बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर पोस्टर वार किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कार्टून पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है, छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता हैं, जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं, किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। तो एक बार फिर से बीजेपी ने पोस्टर वार जारी किया है, कांग्रेस के खिलाफ ये पोस्टर वार किया गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कार्टून पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता हैं, जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं, किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क जरूर करें। ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर और कांग्रेस को लेकर ये पोस्टर वार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। तो लगातार बीजेपी पोस्टर वार करती आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पर, और ये काफी समय बाद एक बार फिर से ये पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस पर पोस्टर वार के जरिए निशाना साधा है। जी बिल्कुल, जो बाहरी सांसद का जो तमगा कांग्रेस पर लगा है वो फिर से पोस्टर वार के जरिए सामने आया है और राजनीति इस पे लगातार सामने आ रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर पोस्टर वार करते हुए ये निशाना साधा है कि तीन सांसद हैं वो कहाँ हैं, इसे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी ढूंढ रहे हैं और लोग भी ढूंढ रहे हैं। किसी को अगर खबर हो तो राजीव भवन में जाके संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से एक तरीके से तंज कसा है कांग्रेस पर। हालांकि इस पर कांग्रेस का भी बयान आया है और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के ये तीन जो सांसद हैं वो संसद में छत्तीसगढ़ के मुद्दे को, छत्तीसगढ़ की आवाज बन के उठ रहे हैं। तो इस तरीके से राजनीति तमाम हो रही है। बता दें कि जो चुनाव के समय से ही लगातार जो है बाहरी संसद का जो तमगा जो लगा है उसको लेकर कांग्रेस हमेशा से घिरते आई है। भाजपा समय समय पर इसको कांग्रेस को घेरने का भी प्रयास करते रही है, तो आज भी पोस्टर वार को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। जी आज जी बिल्कुल, और ये भी देखा जा रहा है कि काफी समय बाद एक बार फिर से ये नाम सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक बार फिर से बीजेपी ने पोस्टर वार किया, उनका कहना है कि तीन चेहरे हैं पोस्टर में जिसमें राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और KTS तुलसी का नाम शामिल है, और यह भी कहा गया है कि जिसे भी इनका पता मिल जाए, इनके बारे में जानकारी मिल जाए, वो उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती है, इनको ये बताना चाहिए जो गारंटी देने वाला मोदी जी कहाँ है, जिन्होंने प्रदेश के महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दिया था, भरोसा दिया था उस व्यक्ति का। आज मोदी की गारंटी के कारण इस प्रदेश में मासूम बेटी हो या अफेर ऊपर की महिलाओं बलात्कार की घटनाएं हो रही है, यहाँ पे रोज हत्या हो रही, रोज चाकूबाजी हो रहा है, ट्रक तस्करी हो रहा है, लगातार घटनाएं हो रही है। हमको हमसे सवाल पूछने के बजाय भाजपा पता है कहाँ है मोदी, जिन्होंने गारंटी दिया था, क्यों नहीं हटाते विष्णु साय जी को अगर सरकार नहीं चला पा रहे, क्यों विजय शर्मा जी को केवल गृह मंत्रालय से नहीं संभाल रहा है। तो पूरी तरीके से नाकाम सरकार है, इस सरकार में अपराधियों का राज कायम हो गया है, जनता डरी हुई है। स्कूल DPS स्कूल बेटी से जुड़ा चाहती घटना है, अंबिकापुर में आदिवासी युवाओं को मारकर जो लोहारी जी में घटना होती है, बलौदा बाजार में घटना होता है, बीरनपुर में साहू समाज की लोगों की जाती है आदिवासी। धनंजय जी, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही हमसे, प्लीज आप नेटवर्क में आइए और बात पूरी करिए अपनी। खैर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल बीजेपी से जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तीन सांसदों के फोटो चिपकाए गए हैं, कार्टून बनाए गए हैं, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, KTS तुलसी। हालांकि धनंजय जी का तो कहना है कि मोदी जी का है, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी। इस पर क्या हास्यास्पद बात है ना जी, मतलब गलती करो, गलती करने के बाद अगर लोग पूछे तो शर्म भी नहीं आती बात ना। चार साल छत्तीसगढ़ में लगातार छत्तीसगढ़ियावाद का चोला पहनकर राजनीति करने का प्रयास करते रहे भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस, और उस प्रयास को छत्तीसगढ़ वालों ने बताया ना, दिखाई दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले समझ रहे हैं इस बात को कि आप छत्तीसगढ़ियावाद का राग तो अलग थे,
लेकिन जब आपको रिवार्ड देने की बारी आई, जब इनाम देने की बारी आई, तब आप बाहर के लोगों को, दस जनपद को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को आपने राज्यसभा सदस्य बनाया। चलिए, राज्यसभा सदस्य बनाना आपका विशेषाधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोटे से अगर राज्यसभा सदस्य बने हैं संजीता रंजन जी, के टी तुलसी जी और राजीव शुक्ला जी, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि छत्तीसगढ़ के हित की बात करें, छत्तीसगढ़ के संघर्ष में साथ दें, छत्तीसगढ़ के लिए कार्य करें? आप तो ये बात समझिए, वो तो भाजपा को छोड़िए, वो तो कांग्रेस के भी नहीं है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकालने का एक ढोंग रचा, उसमें तक ये नहीं पहुंचे। मतलब आप समझिए, छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर कितनी गंभीरता है। आप छत्तीसगढ़ वासियों की बात छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार की बात छोड़िए, ठीक है, खुद के कार्यक्रम तक में नहीं पहुंचे तो सवाल उठेंगे ना। बिल्कुल, सवाल का जवाब भी लिया जाएगा। रुकिए थोड़ा सा, हम धनंजय जी के पास फिर से लौटते। धनंजय जी, सवाल तो ये बनता है कि जो ये तीन बड़े चेहरे थे, अब अगर छत्तीसगढ़ के किसी जो लंबे समय से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अगर उसको जगह नहीं दी गई है, बाहर से लाकर यहाँ पर विशेष अधिकार के तहत दे दिया गया जिम्मा, तो कभी तो नजर आना चाहिए क्षेत्र में कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही चेहरे नजर आते हैं। तो धनंजय जी ने फोन ही काट दिया है, शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। अनुराग जी, आप बोलिए। अनुराग जी, धनंजय जी ने तो फोन ही काट दिया, उन्होंने जवाब देना उचित ही नहीं समझा। मेरी बात कर लो, जवाब देगी कैसे? उनके पास जवाब भी तो होना चाहिए। केटी सुकुलसी और राजीव शुक्ला तो सर्टिफिकेट लेने आने लायक छत्तीसगढ़ को नहीं समझे थे। यहाँ से नेता जाके उनके घर में सर्टिफिकेट दे के आए थे, आप समझिएगा ना, उनकी छत्तीसगढ़ के प्रति भावनाएं क्या है, ये बात स्पष्ट समझ में आती है। हम बार बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव साय जी की सरकार में छत्तीसगढ़ वासियों को उनका हक हम हर विषय में दिलाकर रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे अन्नदान की बात करें, चाहे महतारी बंधन की बात करें, चाहे बड़े बड़े पदों की बात करें, छत्तीसगढ़ वासियों का न्याय, छत्तीसगढ़ वासियों का संसाधन छत्तीसगढ़ में ही लगेगा। यही एक परिकल्पना थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि छत्तीसगढ़ के संसाधन से पूरा जहान रोशन होता था और छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो पाता था। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। आज देखिए कि सबसे बड़ा, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है, कितनी तेजी से यहाँ के संसाधनों से विकास हो रहा है। यही मूल मंत्र है, अंतिम व्यक्ति तक शासन योजनाओं का लाभ पहुंचे, छत्तीसगढ़ के संसाधन का उपयोग छत्तीसगढ़ में हो, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और आकाश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उस तरीके से अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया है, देखना यह कि कांग्रेस इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है।